इफ यू वांट टू कीप टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग इन लाइफ, तो एक तो ये पिचेस के ऊपर रोना धोना बंद करो यार। एक तो ये आईसीसी को भी जो है ना अपनी ये बकवास डीमेरिट पॉइंट्स की खत्म कर देनी चाहिए यार। टेस्ट क्रिकेट का मतलब क्या है मुझे बता दो भाई। टेस्ट क्रिकेट क्या चाहिए आपको? इस टाइप की पिच चाहिए? मुझे नहीं चाहिए इस टाइप की पिच यार, साफ सीधी बात है। आई मीन देयर वाज नथिंग इन इट फॉर द बॉलर्स टुडे। शामी ने अगर दो विकेट ली भी, वो उसने अपने स्किल सेट पर ली विकेट, ठीक है। लेकिन मतलब यार आप कुछ तो पिच में होना यार। अब अगर अब इंडिया ये हार जाता टेस्ट मैच, तो फिर तो इंडिया की कहानी खत्म है। फिर इंडिया समझ जाए कि इंडिया की कहानी खत्म है, या इवन ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो उस सूरत में भी फिर कहानी जाएगी ड्रॉ की सूरत में, या अगर ये टेस्ट मैच इंडिया हार जाता है तो इस बसूरत दीगर में जो है वो कहानी आपकी ऑस्ट्रेलिया तो क्वालिफाई कर जाएगा। अहमदाबाद में कोई मतलब ऐसा मामला नजर नहीं आता कि कोई टीम फिलहाल यहाँ 100-125 पर ऑल आउट होती हुई नजर आ रही हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस बार ऐसी विकेट बना दी गई है कि तुम भी 400 करो हम भी 400 करें मजे करो आप खेल लेंगे। लेकिन फिर भी मैं स्टीव स्मिथ का मैंने देखा कि वो बड़ी सारी गेंदें खेली उन्होंने, बड़ा टाइम लिया, प्लेयर मिसेज भी हुए, गेंदें रोकी भी, बट बहुत बड़े। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों कल इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का 100वां टेस्ट मैच था और पहला दिन था। तो दोस्तों पहले दिन में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोके 255 रन बना दिए। तो दोस्तों उस्मान ख्वाजा ने शतक लगा दिया, 251 गेंद पे 106 रन बनाए, और साथ ही कैमरन ग्रीन ने 64 बॉल पे 49 रन की पारी खेली, और इसी के साथ मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए और एक एक रविंद्र जडेजा और अश्विन ने लिए। तो दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप भी हमारी फैमिली में ज्वाइन होने के लिए सब्सक्राइब करके घंटा बजे। तो दोस्तों चलते हैं फिर। मतलब जब से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट हुई है पिच 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 का रोना रो रहे थे। आई होप कि आज वो खुश होंगे, इसलिए क्योंकि आज बिल्कुल एक टिपिकल जैसे सबकॉन्टिनेंटल पिच होती है पाकिस्तान इंडिया में। बैटिंग के लिए बड़ी ठीक ठाक साजगार, और बॉलर्स के लिए कोई मदद नहीं, कोई स्पिन नहीं, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं। आज वैसी पिच हमने देखी पहले दिन अहमदाबाद के टेस्ट में, और ऑस्ट्रेलिया हैज़ मेड 255 for 4। आई वोंट से कि ऑस्ट्रेलिया जन कमांडिंग पोजीशन, द सेंस कि उन्होंने उतने रन नहीं किए जितने उनको करने चाहिए थे। और दूसरा ये कि इंडिया ने बड़ा टाइट रखा चीज़ों को, जब तक कि सेकंड न्यू बॉल नहीं ली गई थी। सेकंड न्यू बॉल के बाद काफ़ी रन बनाए। अभी जो कैमरन ग्रीन 49 पे खेल रहे हैं, वेरी गुड इनिंग्स फ्रॉम जस्ट 64 बॉल्स, और उस्मान ख्वाजा 104 नॉट आउट। इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी 85 की, ये बड़ी तेज़ी से आई है सेकंड न्यू बॉल के बाद। और इस पार्टनरशिप में तेज़ी आई सेकंड न्यू बॉल के बाद। सेकंड न्यू बॉल जब लीग लेने के बाद 54 या 56 रन बने हैं कोई 9 ओवर्स में। तो इट्स अ स्प्लिट थिंग, और द हाईलाइट ऑब्वियसली उस्मान ख्वाजा, बहुत आला उसने बैटिंग की भैया, बहुत पेशेंटली उसने बैटिंग की, बड़ी फ्लॉलेस इनिंग्स थी उसकी। मतलब बहुत उसने स्लो बैटिंग की, 50 से नीचे का उसका स्ट्राइक रेट था, लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया नीडेड समवन टू स्टे एट द विकेट। लेकिन इंडियन फैंस को मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो स्टैट्स बता रहे हैं कहानी वो कुछ और बता रहे हैं। वो कहानी ये बता रहे हैं कि भाई सीरीज में अब तक जिस टीम ने भी टॉस जीता है, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, तो जिस टीम ने भी टॉस जीता है वो मैच हारी है। ये कमाल। और भी स्टैट्स में स्टडी कर रहा था तो उसमें ये चीज आई कि जो पिछले 98 मैचेस कुछ हुए हैं इंडिया में, उसमें जो टीम सेकंड बैटिंग करती है और सेकंड बैटिंग करते हुए लीड लेती है, उसका 70% जो है मैच जीतने का इन इंडिया, और जो टीम पहले बैटिंग करके लीड लेती है उसका 50% है विनिंग चांसेस। तो आई थिंक दी स्टैट्स टेल अ वेरी व्हाट यू कॉल इट इंटरेस्टिंग स्टोरी। बट आई थिंक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की जो मतलब ये सीरीज रही है, इसमें इतना साइडलाइंस पे पिचेस के ऊपर इतनी बातें हुई, इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है कि और फिर इंदौर में कुछ ज़्यादा ही पिच ने स्पिन किया, जिसकी वजह से जो है आई थिंक ये जो अहमदाबाद की पिच जब बनाने का टाइम आया तो नाइदर द बीसीसीआई वांटेड टू टेक मोर फ्लैक, नाइदर मतलब द इंडियन टीम वांटेड टू टेक अ रिस्क बिकॉज दे हैड लॉस्ट एन इंदौर ऑन अ स्पिनिंग विकेट, वेंट सो दे हैव गॉन फॉर अ सेफ ऑप्शन। अब मसला ये कि जो की है ना वो ये है कि ये पिच कब से किस स्टेज से स्पिनर्स को हेल्प करना शुरू करती है। आई डोंट थिंक इट विल हैपन बिफोर द एंड ऑफ द बाय द क्लोज ऑफ थर्ड डे। मुझे नहीं लगता ये पिच जो है कल एकदम से ब्रेकअप होगी और स्पिन होना शुरू होगी। तो इंडिया हालांकि टॉस हारा है, आप दे आर स्टिल वेरी मच इन द मैच, इफ दे टेक इफ दे कैन रिस्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलिया टू अ टोटल विच कैन बी ओवरटेकन, जिसमें लीड ली जा सकती है पहले इनिंग्स में, तो देन इंडिया इज सेफ। क्योंकि मुझे ये फील आती है कि यार अब इस पिच पे हम वो स्पिन नहीं देखने वाले हैं जो हमने पहले 3 टेस्ट पे देखा है। अब फिर वही टीम ऑस्ट्रेलिया ने डाली है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक पेसर पे से वो गए स्टार्क पे और कैमरन ग्रीन, साथ में दूसरा उनका ऑप्शन है पेसर का, वही 3 स्पिनर्स लियॉन मर्फी और वो अपना कैसा नाम है कोनेमैन,
और इंडिया ने भी सिर्फ एक चेंज कैसे बोलते हैं, इंडिया ने भी सिर्फ शामी को सिराज की जगह डाला है, बाकी वही टीम है उनकी कि तीन स्पिनर्स और साथ में जो है शुभमन गिल है। बड़ी बातें हो रही थी कि ईशान किशन को खिलाया जाएगा भारत के कुमार की जगह, और इट जस्ट शोज़ कि आजकल मीडिया कितनी अहमियाँ जो है छोड़ता है, क्योंकि कोई ईशान किशन का कोई सेंस बनता नहीं था खेलने का, क्योंकि भारत हैज़ रियली बीन कीपिंग वेल इन द सीरीज एंड ही लुक्स टू बी अ कॉम्पिटेंट बैट्समैन। ठीक है, उससे उतने रन नहीं हुए, बट देर वॉज नो जस्टिफिकेशन फॉर ड्रॉपिंग हिम, तो ईशान किशन तो नहीं आया, तो वो बकवास था। बात करते हैं ख्वाजा जी के ऊपर, आज वो बड़े इमोशनल हुए हुए थे सेंचुरी मारने के बाद, क्योंकि उनका मानना है कि जो लास्ट दो दौरे रहे हैं भारत के 2013 में और फिर अभी जो पिछला इससे पहले दौरा था ऑस्ट्रेलिया जो आया था इंडिया, वो कहते हैं जी मैं 8 टेस्ट मैचेस में वाटर बॉय बन के रहा हूं, मुझे खेलने का मौका नहीं मिला, मैं वाटर बॉय बना रहा। तो वो कहते हैं कि आज जिस तरीके से मैंने सेंचुरी बनाई है तो बड़ी मेरे लिए इमोशनल और बड़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरी है और टीम के काम भी आई है। खैर ये टर्नर नहीं है, अगर आप बात करेंगे एक विकेट अच्छा विकेट नजर आ रहा है, या 5 दिन वाला टेस्ट मैच दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं है कि आपको कि बहुत फ्लैट विकेट है। यहाँ पे एक चीज अच्छी होगी कि भारत की तरफ से भी रन्स आएंगे, ये नहीं है कि इस पर रन्स नहीं आएंगे। ठीक है ऑस्ट्रेलिया ने 255 पे 4 किया, लेकिन इस टेस्ट मैच का मजा बहुत आना है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में अब जब ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया बैटिंग करने के लिए आएगा तो वहां पे भी आप देखेंगे रन आएंगे। ये अच्छी बात है कि विराट कोहली के जैसे रन्स नहीं आ पा रहे, बाकियों के रन्स नहीं आ पा रहे, तो ये अच्छी बात है कि इस तरह के विकेट्स पे रन आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही ज्यादा, पिंडी में आप देख लें या कराची में देख लें, बहुत ही ज्यादा ओवर विकेटें बनी होती हैं, बहुत ही फ्लैट ट्रैक्स बना दिए जाते हैं कि आराम से 200 बैट्समैन बनाना चाहे तो कोई इजी होता है, 600 बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इंडिविजुअल अपने रिकॉर्ड्स बहुत इजीली हमारे बन जाते हैं। इमाम शमाम सारे रन बनाते हैं, बाबर सब, साउथ शकील सारे रन के अंबार लगा देते हैं। तो ठीक है अगर इंडिया भी अगर अच्छी विकेट बनाएगा तो फायदा ही है उस लिहाज से कि पर्सनल माइलस्टोन्स जरूर अचीव हो सकेंगे, लेकिन खैर इंडिया ने ये किया नहीं है। बीसीसीआई ने आखिरी टेस्ट मैच में ही दिया है, आज बड़ा हिस्टोरिक टेस्ट मैच था अहमदाबाद में, जो भारत के पीएम है वो भी ग्राउंड में आए, एक एक खिलाड़ी से रोहित शर्मा ने उनका तारुफ भी कराया, वैसे तो कोई खिलाड़ी तारुफ का मोहताज नहीं था, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी होती है जिसमें जो पीएम थे उनको एक एक चीज एक एक खिलाड़ी का बताना था और रोहित शर्मा ने वहां बताया। लेकिन उसके बाद बड़ा एक तारीखी किस्म का टेस्ट मैच का आगाज हुआ है, लेकिन इंडिया की सूरत हाल तो कुछ खास अच्छी नजर नहीं आई, और हमने देखा है कि अगर इंडिया का कोई तारीखी मैच हो और ऑस्ट्रेलिया ओपोनेंट हो तो ऑस्ट्रेलिया उसको ज्यादा ही कुछ सीरियस ले जाता है, और ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी इंडिया को तारीखी टेस्ट मैच में जीतने नहीं दिया, यानी कि जो इंडिया की तरफ से कोई तारीखी टेस्ट मैच हो, कोई बड़ा गेस्ट आया हुआ हो, तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही तरह की क्रिकेट खेलता है चाहे इंडिया हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच जरूर जीत जाता है। ये तो अगर आप लास्ट 10-12 साल में देख रहे हो तो कभी भी कोई ऐसा रिकॉर्ड अगर आ रहा हो पर्सनल इंडिया का, कोई हिस्टोरिक दिन हो, कोई हिस्टोरिक ऐसा मौका हो और वहां पर ऑस्ट्रेलिया ओपोनेंट हो, तो उसने कभी भी इंडिया को छोड़ा नहीं है, और अब भी ऐसे टेस्ट मैच है, हिस्टोरिक टेस्ट मैच लग रहा है। पीएम इंडिया के आए हुए थे ग्राउंड में, उन्होंने आप कह लें कि स्टार्ट लिया मैच का, आप कह लें कि स्टार्ट करवाया है, इनॉग्रल करवाया, लेकिन उसके बावजूद जो कहानी लग रही है वही लग रही है कि ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन नजर आ रही है। ये करेंगे कि ये विकेट बहुत बेहतर मालूम हो रही है, और पहली बारी की बैटिंग विराट कोहली की 90% या 95+% 98% कल ही आएगी, तो डे टू पर इस विकेट पर फिर भी सर्वाइव कियर कर बड़े रन बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक सच और समझ लीजिए, मार्नस लबुशेंग अगेन फेल हुआ है, स्टीव स्मिथ ने कोई बड़ा 100 नहीं मारा, उस्मान ख्वाजा तो पिछली वाली विकेट पे दर्द सर बन गया, तो अब मसला ये कि स्पिन को खेल खेल के ना वो गाते गाते गवैये बन गए। अब आप देखें कि होता क्या है आने वाले दो दिनों में। यार देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लंच तक आपकी पोजीशन अच्छी थी जी, 75/2 थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अगले टी के सेशन तक ये कम से कम 6-7 निपटा देंगे जिस तरह की बॉलिंग नजर आ रही थी, मगर यार उसके बाद से तो वो कैमरॉन ग्रीन खड़ा हुआ, स्मिथ पहले खड़ा हो गया वो आपको डराता रहा, तो उसके बाद कैमरॉन ग्रीन आया, बच्चे का कैरियर अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, वो कौन सा आसमान से खेलता हुआ आ रहा है, पैदाइशी तौर पर अभी कैरियर स्टार्ट हुआ है, 50 रन की तकरीबन वो इनिंग खेल के चला गया। जी हाँ बिल्कुल, तो यही बात आपको हम भी बता रहे हैं कि भाई मामला किस तरफ जा रहे हैं, तो ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला ये टेस्ट मैच कल आपको डायरेक्शन दे